इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इधर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर सोशल ट्रैफिक, इसमें से कौन सा ट्रैफिक जो है हमारे वेबसाइट को ज़्यादा ग्रो करता है, मतलब हमारी रैंकिंग में कौन सा वाला इधर पे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और हमारे साइट का ग्रोथ जो है उससे मेंटेन रहेगा। तो किस टाइप का ट्रैफिक जो है हमें इधर पे गेन करना चाहिए, मतलब अगर आपको इधर पे अगर सोशल ट्रैफिक आता है तो क्या वो ठीक है या फिर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के पीछे भागना चाहिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। या फिर अगर यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, सोशल ट्रैफिक नहीं आता, तो क्या आपको सोशल ट्रैफिक में ध्यान देना चाहिए, वो इस वीडियो में जो हम पूरा को पूरा बात करने वाले, पूरा अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वाला ट्रैफिक आप लोगों के लिए ठीक है। अगर नहीं तो आप इन दोनों ट्रैफिक को जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इससे आपका जो है वेबसाइट आराम से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम इन दोनों ट्रैफिक के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है क्योंकि इसमें जो है हम बात करने वाले कि भाई इधर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर सोशल ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक जो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो चलिए हम जल्दी से इधर पे जो है शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि कौन सा वाला ट्रैफिक जो है आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम इधर पर बात कर लेते हैं सोशल ट्रैफिक की। अब सोशल ट्रैफिक जैसे कि आप इधर पर सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते हो, ले लो सबसे पहले तो यूट्यूब को एंड फिर इसके बाद आ जाता है फेसबुक, ट्विटर, तो ऐसे टाइप के साइट्स जहाँ से भी आप ट्रैफिक लेते हो ना, इसमें क्या रहता है कि आप लिंक को शेयर करते हो एंड आपके लिंक के थ्रू लोग जो है आपके वेबसाइट के अंदर एंटर करते हैं। अभी जैसे कि इधर पे आप देख सकते हो, तो लिंक्स लोग शेयर करते हैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, मैं अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में एंड मैं खुद भी लिंक्स को शेयर करता हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि आप लोग देख सकते हो कि लिंक्स के जरिए लोग पहुँचते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि नो फॉलो लिंक्स रहते हैं, मतलब ये डू फॉलो तो रहते नहीं है एंड इसमें जो ट्रैफिक आते हैं ना वो सोशल माना जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रैफिक रहता है ये क्योंकि लिंक के थ्रू आते हैं, कुछ भी सर्च हो के नहीं आता, तो इसका इतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कुछ पड़ता नहीं है SEO के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर ट्रैफिक ऐसे करके आता है ना तो थोड़ा बहुत जो है साइट को ग्रोथ मिलता है एंड उसकी रैंकिंग थोड़ी बहुत अच्छी होने लगती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत इधर पर जो है अच्छी होने लगती है, मतलब इधर पर आपको थोड़ा बहुत सोशल सिग्नल्स मिलता है। और ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से मैं अपने एक और पॉइंट पर आता हूँ कि भाई इधर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस काम का है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ही सिंपल रहते हैं। अभी इधर पे सोशल ट्रैफिक आपको SEO में इतनी ज़्यादा मदद नहीं करता, लेकिन अब इधर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है आपको SEO में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपका जो एवरेज पोजीशन रहता है ना वो आपके CTR के हिसाब से जो है डिसाइड होता है, मतलब इधर पे कितने बार आपका वो कीवर्ड सर्च करने पे साइट आया एंड लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। अब CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने बार कितने परसेंटेज पे उसको जो है क्लिक किया गया है। अभी जैसे कि इधर पे मान लो कि कुछ 1000 लोगों ने सर्च किया, आपका लिंक अपेयर हुआ, तो उस 100% में से 10% या फिर 11% आप लेके चल सकते हो, लोगों ने क्लिक किया और आपके वेबसाइट के अंदर लोग घुसे, तो ऐसे करके जो आपका CTR डिसाइड होता है। अगर आपका CTR ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब इधर पे अगर लोगों ने सर्च किया जैसे कि 1000 बार सर्च किया एंड आपके वेबसाइट को इधर पे जो 600 बार क्लिक किया गया, ओपन किया गया बाकी सब साइट्स को छोड़ के, तो इधर पे आपका CTR बहुत ही अच्छा आएगा और आपका एवरेज पोजीशन और भी अच्छा होता रहेगा। अब इससे मेरा मतलब है जैसे कि कोई बंदा इधर पे सर्च करता है एंड आपका जैसे कि साइट का इधर पे रैंकिंग आ रहा था इधर पे, ठीक है। अब जैसे कि इधर पे 1000 बार सर्च किया गया ना, 600 लोग क्लिक कर देते हैं, 400 लोग क्लिक नहीं करते लेकिन 600 लोग क्लिक कर देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा CTR माना जाता है। तो अगर इतने बार क्लिक करेंगे ना तो आपका अगर पोजीशन ये रहेगा ना फर्स्ट पेज पे, तो इधर से अपने आप जो है पोजीशन जो है आपका फर्स्ट पे भी जा सकता है एंड सेकंड पे भी आ सकता है, मतलब इधर पे CTR आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें क्या रहता है कि गूगल खुद आपके पूरे के पूरे वेबसाइट को देखता है एंड समझता है कि भाई हाँ लोग इसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं एंड इसको ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसलिए आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल ट्रैफिक को छोड़ दोगे, सोशल ट्रैफिक आपके लिए जो स्टार्टिंग में हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी जैसे कि इधर पे एक ब्लॉग स्पॉट मैं चला रहा हूँ आपके सामने, तो इसमें भी जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो गया, जैसे कि आप पूरा देख सकते हो। तो इसमें एवरेज पोजीशन एंड ये सब जो है पूरा डिसाइड होता है CTR के ऊपर। तो अब आपको अगर CTR बढ़ाना है ना तो आपको इंटरेस्टिंग टाइटल्स लिखने पड़ेंगे। अभी जैसे कि इधर पे आप देख सकते हो इस बने ने लिख दिया 21 टिप्स, तो इसने इधर पे जो है बहुत ही अच्छा सा इंप्रेशन बना दिया लोगों के सामने कि भाई इसमें क्लिक करो इसमें 21 टिप्स आपको मिलेंगे, तो लोगों को पसंद आ गया। फिर इसमें 12 टैक्टिक्स, लोगों को ये भी पसंद आ गया। एंड जो आप सबसे ऊपर देख सकते हो ना जो इधर फीचर्स निबट पा रहा है,
इसने इधर पे लिखा है 18 इजी एंड फ्री देखो, तो इसने ब्रैकेट्स के अंदर ये सब डाला है, तो इसने ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, इसलिए इसका जो वेबसाइट ज़्यादा ऊपर आया एंड इसको क्लिक थ्रू रेट बहुत ही अच्छे से इधर में मिल जाता है। तो इधर में मेरे कहने का मतलब ये कि सोशल ट्रैफिक जो आपको बहुत ज़्यादा इधर पर हेल्प करने वाला है, आपको अपने CTR को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब जब वो अपेयर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ज़्यादा रैंकिंग के ऊपर ध्यान दो, आपका वेबसाइट जब रैंक होता है ना, उसके बाद लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपको इंटरेस्टिंग टाइटल्स लिखने। अगर आपका उधर से जो ऑर्गेनिक क्लिक्स बढ़ता है, ठीक है, CTR बढ़ने लगता है, तो आपका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक टाइम टू टाइम जो है बढ़ने लग गया। जैसे कि अभी एक साल पहले आपके वेबसाइट में सिर्फ 5,000 लोग महीने के लिए आते थे, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से काम करते जा रहे हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर, ठीक है, आपका CTR बढ़ते जा रहा है, तो एक साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपका वही ट्रैफिक जो है 30,000 से 40,000 तक पहुंच जाएगा अगर आप अच्छे से काम करते हो। इवन मैं अपनी साइट्स का ऐसा करता हूँ एंड मेरे को ये देखने को मिला है कि मेरी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगती है जब मैं उनके CTR के ऊपर काम करता हूँ। एंड इवन मैं तो कभी कभी ये भी करता हूँ कि मैं YouTube पे बोल देता हूँ कि भाई जाओ मेरे इस कीवर्ड को सर्च करो, एंड लोग उस कीवर्ड को सर्च करके मेरे वेबसाइट के अंदर चले आते हैं। मतलब अपनी ऑडियंस को भी यूज़ कर सकते हो क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए। मतलब आप बोल दो कि भाई ये कीवर्ड सर्च करो, मैं इधर पर अपेयर हो रहा हूँ, आप देख लो, तो लोग क्लिक करके जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपका उधर से जो है CTR बढ़ जाएगा एंड उससे आपका एवरेज पोजीशन अच्छा हो जाएगा। तो देखो, इससे मेरे कहने का मतलब ये कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दो एंड उसमें CTR को इंक्रीज करते रहो, और CTR को इंक्रीज करने से जो है आप अच्छे से ग्रो होने लगोगे। और कंपटीशन बहुत मैटर करता है, कंपटीशन कम रहने दो और CTR आपको अच्छा मिल जाएगा ना, आपके कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, तो आप आराम से इधर पे रैंक होने लगे। आई होप कि आप समझ गए हो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना ज़्यादा मैटर करता है एंड अब आप जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में एंड एक छोटा सा वीडियो था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था एंड बीच में भी बता दिया था, मेरे को बस आपको ये बताना था कि भाई ज़्यादा इधर फोकस करो कि आप CTR को इंक्रीज कर सको, क्योंकि उससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक इधर पे इंप्रूव होता है, आपका SEO बहुत अच्छा होता है एंड सोशल ट्रैफिक जो है आपको हेल्प करेगा। जब तक आपके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा होगा तो सोशल ट्रैफिक बहुत जल्दी मिल जाता है, तो आप सोशल ट्रैफिक के ऊपर ही फोकस करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।